नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की मेडिसिन पर याद करना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेरम मेटेलिकम या फिर फेरम मेट। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक मालिक की और एक नौकर की। नौकर कैसा होता है? एकदम पतला दुबला, इमेशिएटेड था, कमजोर था, वीक, ठीक है, कपता रहता था, खाना वाना मिलता नहीं था बेचारे को, तो कमजोर हो गया था। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। तो एक नौकर कैसा था हमारा? इमिशिएटेड वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग इन फ्रीक्वेंट अटैक। ठीक है, कमजोरी थी बहुत उसको। उसने पहली बार एक जगह ज्वाइन किया, ठीक है, और वहाँ का जो मालिक था वो था बड़ा खड़ूस टाइप, ठीक है, बहुत खड़ूस टाइप का मालिक था। अब उसे ये पता नहीं था, पहली बार उसने ज्वाइन किया था वहाँ पर। ठीक, अब क्या हुआ, सुबह मालिक उठा, मालिक उठते ही चिल्लाना चालू कर दिया, अरे कहाँ मर गया नौकर, भूख लगी है मुझे, कुछ लेके आ मेरे लिए बहुत तेज, ठीक है, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ लेके आ। तो मालिक वो सॉरी नौकर भागता भागता आता है और भागता है, तो मालिक क्या चाहिए, क्या लेके आऊँ आपके लिए, दूध और अंडे ले आऊँ? मुझे लगा कि खाते होंगे ये लोग, थोड़ा हैवी डाइट खाते होंगे, दूध और अंडे लेकर आ जाऊँ या फिर कुछ खट्टी कुछ सोर थिंग्स लेके आऊँ आपके लिए। अरे बुद्धू तुझे पता नहीं क्या, अमीर लोग हल्का खाना खाते हैं, बिल्कुल हल्का, ठीक है, ब्रेड लेकर आ मेरे लिए, ब्रेड। मालिक ब्रेड तो है नहीं घर में। फिर मालिक, कैसा नौकर है तू, तुझे पता नहीं क्या मैं ब्रेड खाता हूँ, तो पूछ नहीं सकता क्या किसी से, रखना चाहिए ना। अब इससे पहले कि मेरी भूख चली जाए, ठीक है, और तू जो खाना लेकर आए मैं उसे डिसलाइक कर दूं, ठीक है, उससे पहले मुझे ब्रेड चाहिए वरना तेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक, कैनाइन हंगर विद अल्टरनेट लॉस ऑफ एपिटाइट विद डिसलाइक ऑफ एनी फूड। ठीक है, कि इससे पहले कि मेरी भूख चली जाए और मैं तेरे खाना, तू जो खाना लाए उसे डिसलाइक कर दूं, इससे पहले ब्रेड लेकर आ जा, डिजायर फॉर ब्रेड। ठीक, एंड एवर्जन टू एग मिल्क मीट एंड सोर थिंग्स। ठीक है, अब वो जाता है बेचारा भागता भागता, उसे नौकरी बचानी थी अपनी, ठीक, भागता भागता जा रहा होता है, तभी क्या होता है कि एक आदमी क्या होता है, स्कूटी पे आ रहा होता है और स्कूटी पे आके धड़ाम से उसे ठोंक देता है उसको। ठीक है, अब बेचारे का क्या होता है, बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, वो काफी स्पीड में था, ठीक है, स्कूटी पे, तो वो क्या होता है एकदम रोड पे वहीं पे गिर पड़ता है और उसकी बॉडी में से जगह जगह से खून निकलने लगता है, मतलब हेमरेजेस हो जाते हैं, सब जगह से खून निकल रहा होता है, हेमरेजेस फ्रॉम एनी वेयर एंड एवरी वेयर। ठीक, विद द करेक्टर ऑफ ब्लड इज ब्राइट रेड एंड क्वेगुलेबल। ठीक, तो बात एक अच्छी थी कि ब्राइट रेड तो ब्लड था लेकिन क्वेगुलेबल था, मतलब जम गया तो वो बहना जो था वो बंद हो गया, लेकिन तब तक बहुत सारा ब्लड जो था वो खो चुका था, ठीक है, निकल चुका था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसके जो रेड पार्ट थे वो कैसे हो चुके थे, अब वाइट हो गए थे क्योंकि ब्लड निकल गया था। और दूसरी चीज, उसकी स्किन कैसी हो गई, पेल हो गई, हल्की येल्लो कलर की, जब खून पूरा निकल जाएगा तो कैसी स्किन हो जाएगी, ठीक है, पेल कलर की स्किन हो गई उसकी, तो रेड पार्ट बिकम वाइट एंड एक्सट्रीम पेलनेस ऑफ द फेस लिप्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये सिम्टम कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, देखते रहिएगा सिम्टम्स को। अब वो जो है नौकर वो वापस मालिक के पास में जाता है ब्रेड लेके, लेकिन तब तक मालिक की भूख जा चुकी होती है। अब मालिक उस पर फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता, बोला था ना तुझसे कि टाइम से लेके आना वरना मेरी भूख चली गई एक बार, तो फिर मैं तू जो भी लाएगा मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अब नौकर सोच रहा है यार मेरा खून निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, चोटें लगी हुई हैं, हाथ पौनी सब छिले हुए हैं, और मालिक को पड़ी है खाने की, कैसा आदमी है यार ये, ठीक है, मालिक उसे चिल्लाते चिल्लाते उतर, निकल जा, चले जा यहाँ से नौकरी से, मैं तेरे को नौकरी से निकाल रहा हूँ अभी, फिर कभी मत आना, ठीक है। अब वो जो नौकर होता है वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसको गुस्सा आ रहा होता है, यार कैसा आदमी है ये, दिखाई नहीं दे रहा कि मैं ब्लीडिंग सब हेमरेज हेमरेज हो चुके होते, तो गुस्से में क्या होता है उस नौकर का चेहरा फिर से लाल हो जाता है, ठीक है, फिर से लाल हो जाता है। तो ये सिम्टम हमारा अब कंप्लीट होगा, विद विच बिकम रेड एंड फ्लश्ड ऑन लीस्ट पेन इमोशन एंड एग्जर्शन। ठीक है, दर्द में तो था ही बेचारा, उसके बाद इमोशन गुस्सा वगैरह, ठीक है, उसे गुस्सा आ गया था, गुस्से में फिर से उसका चेहरा लाल हो गया, जो खून खून जाने के कारण पेल हो गया था वो फिर से लाल हो गया, ठीक है, और एग्जर्शन जरा, वो तो चल चल फिर के तो आया ही था। अब वो घर जाता है, अब घर जा रहा होता तो सोचा यार जल्दी जल्दी घर जाऊं, अब ऐसा ना हो कि रास्ते में कहीं बेहोश बेहोश हो गया तो कोई मेरे को घर पे भी नहीं पहुंचाएगा, गरीब आदमी को कौन पहुंचाएगा, पड़ा रहेगा वो तो, ठीक है, तो इससे पहले कि मैं कहीं लुढ़कूं उससे पहले घर पहुंच जाऊं, तो अब जल्दी जल्दी क्या होता है वो चल चल के घर जा रहा होता है, और घर पे पहुंचते ही बेचारे को भयंकर तरीके से डिस्निया होता है, सांस वांस भी नहीं ले पाता, वहीं पर जाके सीढ़ियों पे बैठ जाता है घर की, है ना, भयंकर तरीके
है ना बिल्कुल थकान हो चुकी होती है, उसे भी कमजोरी आ चुकी होती है, खून तो खून चला ही गया था, ठीक है कमजोरी आ चुकी होती है, सांस नहीं ले पा रहा, बीवी आती है भागती भागती, अरे क्या हो गया क्या हो गया, क्यों इतनी बिल्कुल थके हारे बिल्कुल बेचारे से लग रहे हो, क्या हो गया? तो बताता है उसको कि अरे क्या बताऊँ, एक मालिक मिल गया बेकार सा, ब्रेड लेने भेजा, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पूरा वाइटल फ्लूड जो था वो बह गया, ठीक है पूरे हेमरेज ही हेमरेज हो गए थे मेरी बॉडी में, और मेरा पूरा वाइटल फ्लूड जो था वो बह गया। तो एनी रैपिड एक्जर्शन और मोशन ब्रिंग ऑन वीकनेस डिस्निया एंड फेंटिंग, ठीक। उसके बाद वो अपनी बीवी को बताता है क्या हुआ था, तो कंप्लेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्रूट एज इन चाइना स्पेशली फ्रॉम हेमरेज, ठीक है हेमरेज हुए और मेरा पूरा लॉस ऑफ वाइटल फ्लूड हो गया। तो वो उसको अंदर लेकर आती है, एक काम करो आप अंदर रेस्ट करो, ठीक है मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप अंदर रेस्ट करो। तो अंदर वो जैसे ही रेस्ट करता है, लेकिन उससे तो उसकी दिक्कत जो है वो और बढ़ जाती है, जो डिस्निया वो सांस नहीं ले पा रहा था और जो कमजोरी थी वो तो और बढ़ने लगती है रेस्ट करते से ही, ठीक है। उसके बाद में उसकी बीवी आती है भागती भागती पानी का गिलास लेकर, ये क्या हो रहा है? तो वो देख, अरे सांस नहीं ली जा रही यार, है ना बिल्कुल रेस्ट थे तो बिल्कुल आराम ही नहीं मिल रहा है मुझे, तो अच्छा अच्छा रेस्ट से आराम नहीं मिल रहा, ठीक है वो क्या करती है, उसको सहारा देती है, उठाती है, तो एक काम करो चलो मैं आपको थोड़ा सा खुली हवा में ले जाती हूँ, खुली हवा में घर में ही घूमते रहना धीरे धीरे, धीमे धीमे आपको घुमाती हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। तो फिर वो उसको सहारा दे के अपने पति को धीरे धीरे घर में ही खुली हवा में घुमाती है, तो उसके पति को फिर धीरे धीरे करके अच्छा लगने लगता है। तो हमारा सिम्टम, अ स्ट्रेंज सिम्टम रनिंग थ्रू फेरम इज दैट पेन एंड सफरिंग कम्स ऑन ड्यूरिंग रेस्ट, ठीक, सच एज पाल्पिटेशन डिस्निया एंड वीकनेस, दैट इज वाई द पेशेंट इज एम्यूलेटेड बाई मूविंग अबाउट जेंटली इन द हाउस और इन ओपन एयर। फिर उसे अच्छा लगता है, फिर जो पानी लाई थी वो पानी पीता है, तो पानी उसको अब इतना सारा तो फ्लूड खो गया था, तो पानी खूब सारा पीता रहता, तो उसको क्या हो जाती है, ड्रॉपसी हो जाती है। ड्रॉपसी में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ड्रॉपसी की कंडीशन उसको देखने को मिलती है, ड्रॉपसी ड्यू टू लॉस ऑफ वाइटल फ्लूड या फिर एब्यूज ऑफ क्विनाइन। और जब वो पानी पी रहा होता है तो उसकी बीवी देखती है कि उसकी जो जुबान है वो पूरी लाल रखी है, फायरी रेड टंग, बोला आपकी जुबान लाल कैसे रखी है, बोला वो खून वून निकला था ना तो वो उसी की वजह से कहीं छो गई होगी, तो टेंशन मत ले, ठीक है अब मैं ठीक लगकर, अब मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगा। फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो मेडिसिन की कहानी आप पहले चाहते हैं, ठीक है वो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि वो मैं आपको पहले प्रोवाइड करूँ, ठीक है। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, थैंक यू।